हेलो गाइज, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक, स्टाइलिश और बड़े ज़बरदस्त फ़ोन की, जिसे देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केचडा ब्रांड के K116 मॉडल की। दोस्तों, ये बिल्कुल यूनिक फ़ोन है और इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल हट के है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग ही बिल्कुल यूनिक है। पैकिंग को एक बुक की शक्ल दी गई है, बिल्कुल बुक जैसी बनाई गई है पैकिंग। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी पैकिंग देख के कि जब इसकी पैकिंग ही इतनी स्लिम है तो इसके अंदर फ़ोन कितना स्लिम होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके पैकिंग के फ्रंट साइड की, जिसमें केचडा ब्रांडिंग दी हुई है, लिखा हुआ केचडा द किंग ऑफ म्यूज़िक, जिसका मॉडल नंबर दिया हुआ सामने K116। ये कंपनी का लोगो है। आप देख सकते हैं इसमें फ़ोन के फ्रंट और बैक की लुक दिखा रखी है। अब बात करते हैं पैकिंग के बैक साइड पे क्या है। तो पैकिंग के बैक साइड पे फिर वही केचडा का मॉडल नंबर है K116, और ये इसके फीचर दिए हुए हैं, और नीचे फ्रंट और बैक लुक दी हुई है फ़ोन की, और ये दिखाया हुआ सिम वगैरह के बारे में बताया हुआ। तो चलिए सबसे पहले फ़ीचर देख लेते हैं क्या क्या है। इसके फीचर के बारे में बताया हुआ है, फर्स्ट है कि 1.8 इंचेस QVGA डिस्प्ले लगी हुई है इसमें। कैमरा है MP3 MP4। उसके बाद बताया डुअल सिम डुअल स्टैंड वाई, मतलब दो सिमें हैं और दोनों एक साथ चल सकती हैं। फोर्थ बताया कि ब्लूटूथ भी है, जिसमें वर्जन 2.1 है। टी फ्लैश मतलब मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। रैम रोम के बारे में बताया हुआ है, 32+32 MB की रैम और रोम है। बैटरी बताया हाई एनर्जी पॉलीमर बैटरी डली हुई है। वायरलेस FM है, ब्लूटूथ डायलर भी है। तो दोस्तों, ये तो हुई पैकिंग की बात, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब खोलते हैं इसे, अंदर क्या है, फ़ोन की लुक देखते हैं। तो मैं यहाँ से कट करूँगा इसे। अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे खोलते ही सबसे पहले वारंटी कार्ड निकला है। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना सस्ता फ़ोन, वो भी वारंटी है इसकी। वारंटी कार्ड में देख लेते हैं। अच्छा, इस पे डिटेल दी हुई है, मतलब ये इन्होंने सर्विस सेंटर बताया हुआ इंडिया में। हमारे सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ हैं? यहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मैं दिल्ली की बात करूँगा। दिल्ली के करोल बाग में है, जो सरस्वती मार्ग करोल बाग में है। ठीक है, ये गारंटी कार्ड हम एक साइड रख देते हैं, उसके बाद फ़ोन देखते हैं फ़ोन में क्या है। अंदर आप देख सकते हैं सर, फ़ोन की लुक बिल्कुल यूनिक है, ज़बरदस्त। बैक से तो ये बिल्कुल आईफोन दिख रहा है। फिर वही सारा सिस्टम है, केचडा की ब्रांडिंग है, और ये IMEI नंबर वगैरह इस पर बैक में दिए हुए हैं। दोस्तों, इसकी पन्नी थोड़ी सी उतर रही है, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है, और ये ग्लास फिनिश में इसके कीपैड हैं, मतलब कितना भी यूज़ करें तो इसके कीपैड में, जैसा आपने देखा, ज़्यादातर ये नंबर्स मिट जाते हैं, तो ये मिटेंगे नहीं। बीच में ये टॉर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, शायद बीच वाले बटन से होती है। चलिए इसे मैं ऑन करता हूँ। दोस्तों, जब तक ये ऑन होता है, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल अपने पड़ोस की ही दुकान से लिया हुआ है। इसकी लुक मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। बैक से तो आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक है, और इसका जब मैंने रेट सुना, जब इसका अमाउंट सुना, तो मैं और हैरान हो गया। मैंने दोबारा शॉपकीपर से पूछा, मैं कन्फ्यूज़ था कि क्या रेट है, इतना सस्ता रेट, और इस फ़ोन का मुझे समझ नहीं आया इसका क्या रेट है। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा मैंने इसे कितने का लिया है। ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं। इसकी पैकिंग तो खैर मैंने दिखाई दी थी आपको। अंदर देखिए आप, इसके अंदर फ़ोन निकलता है, गारंटी कार्ड है इसका, और प्लस में एक डेटा केबल होती है। इसमें अडेप्टर नहीं होता है, निकाल के दिखा देता हूँ। एक छोटी सी डेटा केबल होती है, जो अपने घर में अपने अदर फ़ोन यूज़ हो रहे हों, उसके अडेप्टर से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और मैं इस पर हैरान हूँ कि इतना सस्ता फ़ोन, वो भी वारंटी के साथ, वो पूरे एक साल की वारंटी है। गाइस, हम इसके फीचर अंदर देख लेते हैं क्या क्या। फ़ोन ऑन हो चुका है, देखिए। ठीक है, यहाँ लॉक का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट सिम, ये दो सिमें डाल सकते हैं। मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ, अंदर फीचर देखते हैं। तो कॉन्टेक्ट है, मैसेज, BT डायलर, मतलब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉल हिस्ट्री, मल्टी मीडिया भी है। ठीक है, कैमरा, इमेज व्यूअर, वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, सारी चीज़ें हैं। ऑडियो प्लेयर, FM चला के देखते हैं। इन्होंने बताया कि वायरलेस FM है, तो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, जितना छोटा फ़ोन है, आवाज़ उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। शायद आपको यहाँ सुनाई दे रही होगी, मैं स्पीकर से सुना देता हूँ। ज़बरदस्त आवाज़ है छोटे से फ़ोन की, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता।
सेटिंग ऑर्गेनाइजर सर्विसेज एड्रेस सर्विस एड्रेस इसमें क्या है कॉन्टेक्ट अस करोल बाग। अच्छा जो मैंने आपको दिखाया गारंटी कार्ड पे जो जो एड्रेस दिए हुए थे इन्होंने यहाँ भी दे रखे हैं, आप फ़ोन के अंदर भी इन्हें चेक कर सकते हैं। ये देखिए 13/10 वेलकम चैम्बर थर्ड फ्लोर रूम नंबर सरस्वती मार्ग करोल बाग विथ कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा हम कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पर्सनस के, जाओ वहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे सर्विस सेंटर में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये अंदर दे रखी है। दोस्तों मौके से मेरे पास एक मेमोरी कार्ड भी है, मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगा के देखूंगा कि ये मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है या नहीं। उससे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये देखिए इसमें सिम और मेमोरी यहाँ से डलता है, सॉरी ये कट बना हुआ है जहाँ से हम खोल लेंगे इसे। इसकी बैटरी फिक्स होती है, बैटरी हम निकाल नहीं सकते, जैसे हमारे आजकल के जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें फ़िक्स बैटरी आ रही है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये सिम 1 और 2 है और यहाँ इसके ऊपर मेमोरी कार्ड डलेगा और ये चार्जिंग जैक है इसका। तो मैं एक बार मेमोरी कार्ड लगा के देख लेता हूँ, ये लगाया मैंने मेमोरी कार्ड। लॉक खुल गया, मैं अंदर सर्च कर लेता हूँ मेमोरी कार्ड कहाँ है। मेमोरी कार्ड शायद मल्टीमीडिया में होगा, मल्टीमीडिया में यस। लास्ट में मैं देखता हूँ तो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर ओहो इसने ओके मैंने ऑन में लगा दिया था, शायद इसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा एक बार तब ये रीड करेगा। मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ, ऑफ हो गया, मैं इसे ऑन करता हूँ दोबारा। काफ़ी अच्छा साउंड है। तो गाइज वापस हम जाते हैं अपने मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया में लास्ट ऑप्शन था फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में जाते हैं। ओके आ चुका है, देख सकते हैं आप मेमोरी कार्ड है इसमें है, ऑडियो नहीं है इसमें कुछ भी, इसमें कुछ एक सॉन्ग्स डले हुए थे माई म्यूजिक शायद यहाँ होने चाहिए, चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं छोटे से फ़ोन का साउंड देख सकते हैं, ज़बरदस्त साउंड है और बिल्कुल क्लियर है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, आई थिंक आपको ठीक सुनाई दे रहा होगा। ये फ्रंट में इसका स्पीकर है, यही ईयर स्पीकर भी है, यही साउंड के लिए भी यूज़ होता है, मतलब रिंगर भी यही है। ठीक है ये तो MP3 था, बैक करते हैं और एक वीडियो चला के देखते हैं क्या ये HD वीडियोज़ एक्चुअली इस मेरे मेमोरी कार्ड में डली हुई हैं, क्या इसे सपोर्ट करते हैं वीडियोज़ के, देखते हैं। वाओ दोस्तों ये तो M4 वीडियो भी सपोर्ट कर रहा है और आप साउंड देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइज मुझे बिल्कुल ये बहुत पसंद है, ये छोटा सा फ़ोन गाइज, ये इतना स्लिम है और इतना छोटा है, देखिए मेरी हथेली पे आधे हाथ पे आ रहा है और इसे अगर हम पॉकेट वगैरह में रखेंगे तो शायद ये पता भी ना लगे कौन सी पॉकेट में रखा हुआ है। तो गाइज मुझे ये बहुत पसंद आया, मेरी तरफ से बिल्कुल ये ओके है। हाँ गाइज मैं आपको प्राइस बताना भूल गया, ये प्राइस मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ 799 मतलब 799 रुपये में लिया है। गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।